हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला और हम बात करेंगे नेमिंग मेथड की और नेमिंग मेथड में क्या बेनिफिट्स है इसके बारे में हम आपके लिए आपके साथ डिस्कस करेंगे। और मैं इसको नवीन जी ये जो आपकी फाइल है मैं इसको इत्मीनान से बैठ के देख लूंगा। जी सर कोई बात नहीं बाद में। तो नेमिंग मेथड मतलब कि हम एक एरिया को नेम देते हैं तो उसमें और क्या क्या हो सकता है चलिए इसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि नेमिंग मेथड क्या होता है कि एक एरिया आपका है उस एरिया को आप जो है एक नाम दे देते हैं। क्यों देते हैं नाम, रीजन क्या है नाम देने का, चलिए पहले जानते हैं चीज को। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है जो कि है A1 से लेके F14 तक, A1 से A लेके F14 तक है। अब मुझे सम करना होता है इस शीट में या अनदर शीट में तो पूरा रेफरेंस देना पड़ता है राइट। और फिर जब नीचे ड्रैग करता हूं तो इसमें फ्रीजिंग व्रीजिंग भी करना पड़ जाता है तो फिर हमारा रेंज इंक्रीज हो जाता है। राइट समझ गया। तो इससे इसको काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसलिए इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला बार में जाते हैं और यहाँ हम डिफाइन नेम का यहाँ पे डिफाइन नेम और इसका नेम दे देते हैं जैसे हमने दे दिया डेटा। कल के डेट में मुझे इसका सम करना है तो हम बस डेटा लिखेंगे और सम कर देंगे और इसको ड्रैग करने पे कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, कोई डॉलर साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आगे अभी तो सब ठीक है लेकिन 2013 वगैरह में आपका जो है डेटा वैल्यू 2013 में डेटा वैलिडेशन और आपका क्या बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिफरेंस सीट का रेफरेंस नहीं रहता था तो वहां पे हम नेम का ही यूज करते थे। बट ये तो नॉर्मल चीज है लेकिन इसमें और भी बहुत चीजें हो सकती है। कैसे, चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। राइट अब इसमें क्या हो सकता है तो जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पे सेल्स दिया हुआ राइट। अब सेल्स में मैं यहां पे कुछ नंबर्स दे देता हूं। इस नंबर्स पे मान लीजिए कि इंसेंटिव देना है, क्या देना है इंसेंटिव देना है। तो याद होगा इफ का फॉर्मूला जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे हमने दिया था फॉर्मूला कि इफ अगर ए ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो 500। फिर यहां पे अगेन इफ हमने इसको सिलेक्ट किया और बोला कि अगर ए ग्रेट लेस देन इक्वल टू 60 हुआ तो 1000। फिर अगेन हमने इफ सिलेक्ट किया इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू है तो 1500। फिर यहाँ पे इफ हमने बोला कि अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 है 2000 अदरवाइज 5000। अब प्रॉब्लम ये कि फॉर्मूला आपने तो लगा लिया लेकिन ऐसे बहुत सारे आपके ऑफिस स्टाफ होंगे जिनको ये फॉर्मूला नहीं लगा पाए। हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मैं यहां सॉरी को दे रहा था मैं यहां यहां पे कर्सर रखूंगा, ध्यान रखिए यहां पे कर्सर रखना जरूरी है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूला मेनू बार में डिफाइन नेम और इसका हम दे देते हैं INC इंसेंटिव और यहाँ पे वो पूरा का पूरा फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे पूरा का फॉर्मूला हम पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बस INC लगाइए एंटर मारिए और आपका रिजल्ट आपके सामने।
और इसको नीचे की तरफ ड्रैग भी कर सकते हैं। समझ में सर कि नहीं? तो क्या हुआ, इसकी जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने यहां नेम मैनेजर में दे दिया। क्लियर है सर? सम टाइम ये एनए क्यों आया था? एनए आने के बाद यूज इन फॉर्मूला वाला पे क्लिक करने के बाद ही काम करता था। एक बार एडिट करने से फिर वो ठीक हो जाता है। अपना एड्रेस को सही कर देता है, इसमें एड्रेस का बंदा होता है। ओके। ऐसे और भी चीजें कर सकते हैं, ये तो हो गया है। ऐसे और भी बहुत सारे समीर काउंटी जैसे फॉर्मूला आपने बड़े बड़े फॉर्मूला लिखे थे, उसकी यहाँ सिंपलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि ये फॉर्मूला हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इसी से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि हमने आपको एमआरपी के लिए कैलकुलेशन समझाया था, याद है सर? रिकॉर्डिंग दे देंगे परमिशन? क्या हुआ, लेट हो गया? नहीं आ रहा था। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखिए डिफाइन नेम में हम आते हैं, डिफाइन, और यहां पे हम देते हैं जी इसका नाम एमआरपी रखते हैं, राइट? नहीं, एमआरपी नहीं, इसका नाम होगा मान लीजिए मैन्युफैक्चर कॉस्ट स्कोर सी, राइट? और यहां पे हम बोलेंगे कि इसमें हमने प्लस, अब देखिए यहां पे डॉलर साइन लग रहा है ना सर, डॉलर साइन नहीं लगना चाहिए वरना फिक्स हो जाएगा, फिर नीचे ड्रैग वैग करेंगे तो नहीं होगा। तो यहां पे B5 का 5% और इसको हमें ब्रैकेट में देना होगा क्योंकि बोर्ड मास का थर्ड है, बस B5। कर्सर भी उसके नीचे होना चाहिए तभी वो उसी को पैटर्न को लेगा। एक नया बनाया और मैंने बनाया यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट DC_C। हमने बोला कि इक्वल M_C ब्रैकेट करना होगा, ये हमारा M_C का 10% प्लस M_C आ गया। अब ये तो लग रहा है मैथमेटिक्स XYZ जो हम लोग मान के चलते थे उसी लाइक। यस यस, सुबह याद तो है आपको पर हम तो भूल चुके हैं। होल हमने होलसेल प्राइस निकालना है SC, और यहां हमें क्या करना है इक्वल डिस्ट्रीब्यूटर D_C लाइक लेना D_C मल्टीप्लाई बाय 15% और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। और यहाँ देखिएगा यहाँ पे आप एरो की का प्रयोग मत कीजिएगा वरना वो रेफरेंस पकड़ लेगा। आता है फाइनली एमआरपी, और एमआरपी में क्या होगा ब्रैकेट H_C का 20% प्लस H_C। तो ये कितना, मैं पहले कितना कॉम्प्लिकेटेड था अब कितना आसान हो गया। अब मुझे यहां पे जस्ट एमआरपी करना इक्वल एमआरपी सर। अब एक तो हुआ कि इससे पहले भी हमने बनाया था लेकिन उसमें अगर कोई परसेंटेज चेंज हुआ तो काफी दिक्कत होगा ना सर। बट यहाँ किसी का परसेंटेज चेंज होता है तो आप मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर का परसेंटेज 7% हो गया, बस एक में जाइए और यहाँ 5 के जगह पे 7 करके ओके कर दीजिए, बाकी में सारा अपने आप चेंज हो जाए। ओके,
बाकी कोई रेट वेट चेंज करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज आपको याद होगा, हमने आपको इफ कंडीशन जो आप इफ पढ़ाया था, तो इफ कंडीशन से रिलेटेड आपको मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, याद है? भूल गए? दस नंबर क्वेश्चन जो था इंसेंटिव का। हेलो, यस सर, याद है सर, यही वाला मैं एग्जांपल बना के भेजा हूँ, सेम। मैं बना के दिखाऊं, तो इसमें क्या था हमें? चलिए आपने बनाया है सर जी, चलिए आप ही का देखते हैं। सेम क्वेश्चन पे बनाया था मैं, वही सिर्फ फार्मूला को मैं पेस्ट किया वहां पे, वो काम किया, मैं उसको राइट साइड करके उसको अप्लाई किया। फार्मूला पेस्ट किया हुआ था गलत। ओके, गलत क्यों है? इंसेंटिव, यस, आपने जैसे कि इसके तो सेम राइट साइड यहाँ राइट साइड वाली, यस। नहीं, मैं देखता हूँ आपने क्या किया। तो सर आपने जस्ट फॉर्मूला को पेस्ट कर दिया, ये तो कोई ये नहीं हुआ ना सर, ये तो कॉपी पर पेस्ट कर दिया, हो गया। मुझे लग रहा है एक या डेढ़ मिनट का टाइम लगा हुआ इसमें। हाँ जी, क्या ये बना उस था पहले से आपके पास? ये कोई बड़ी बात नहीं। अब मान लीजिए कि अब इसमें चेंज करना होगा, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो है 40 टू 80 का 60 के जगह पर 65 हो गया, कितना करना पड़ेगा यहाँ? देख रहे हैं? नहीं है सर, अब ये 60 कितना जगह पे आपको 65 करना पड़ेगा? करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से बनाएंगे, हम इसमें कैलकुलेट, इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो है कि हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर देंगे, तो अब यहाँ पे सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। तो मैंने यहाँ पे रखा और यहाँ पे इंसेंटिव, यहाँ पे कर्सर रखेंगे और यहाँ डिफाइंड नेम में आते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 40 का स्लॉट, लेस देन इक्वल टू 40। लेस देन इक्वल टू 40 में क्या होगा कि हम इसमें जो T2 है, T2 मल्टीप्लाई बाय 40, यहां पे 40 दे सकते हैं, नंबर यहां पे स्लॉट 1 कर देते हैं, स्लॉट 1, ठीक है। फिर यहां पे डिफाइन करेंगे स्लॉट टू में क्या होगा? स्लॉट टू में होगा स्लॉट टू में होगा यहां पे कि 40 मल्टीप्लाई बाय 20। यहां देखिए 40 तो ये चुके हैं ना, 40 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस T2, यहां पे ब्रैकेट में बन जाएगा T2 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 60। स्लॉट टू हो गया। अब बात करते हैं स्लॉट थ्री का, आगे स्लॉट थ्री मतलब कि स्लॉट थ्री में होगा कि यहां पे ब्रैकेट में कि 40 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस अगेन 40 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस यहां पे हो जाएगा T2 माइनस 80, जो रिजल्ट आएगा दैट इज मल्टीप्लाई बाय, यहां पे है ना, इस लैब का करेक्ट।
और फिर वापस हम यहाँ पे डिवाइन नेम में जाते हैं स्लॉट फोर जो कि आखिरी है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा 40 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस 20 मल्टीप्लाई। यहाँ पे स्लॉट वन प्लस स्लॉट टू टिंग कर सकते नहीं सर, क्योंकि लास्ट वाला जो है वो तो डिपेंड करता है वैल्यू पे ना सर। ओके ओके ओके, जैसे मान लीजिए कि 100 एक 110 आ गया, तो 10 का तो अलग देना है ना, 100 तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन 10 का क्या करेंगे, माइनस करना है ना हमें। ओके ओके सर, तो यहाँ पे प्लस P2 माइनस 100 राइट मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे दो तरीके है, तो इफ लगाते समय आप रखें कि लिस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 40 देन स्लॉट वन, स्लॉट वन देन इफ, अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 होता है तो स्लॉट टू, अगेन इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 होता है तो स्लॉट थ्री, ग्रेटर देन 100 देन स्लॉट फोर, ग्रेटर देन 100 देन स्लॉट फोर। अब आपको और भी सिंपलाइज करना है तो इस फॉर्म आप कर दीजिए, इसमें नेम INC और इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे INC। अब कल के रेट में मान लीजिए 60 नहीं 65 हुआ तो हमें नेम मैनेजर में जाना है, क्योंकि इसमें सारे स्लॉट में चेंज करना पड़ेगा। फिर देख रहे हैं सर, इसमें हमें सारे स्लॉट में चेंज करना पड़ेगा, स्लॉट टू 60 है यहाँ पे ना, 65 हो गया। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है कि जो हमारा डिफाइन है रेट वो हम कर देते हैं कि आर अंडरस्कोर वन, और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा हमारा 20, ठीक है सर, न्यू आर अंडरस्कोर टू, और यहां पे हो जाएगा रेट हमारा 60, फिर न्यू आर अंडरस्कोर थ्री, रेट क्या हो जाएगा हमारा 80, और फिर न्यू आर अंडरस्कोर फोर, रेट हो जाएगा। तो ऐसे हम वैल्यू भी होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना है कि स्लैब वन हमने 40 के जगह पे यहां आर अंडरस्कोर वन कर दिया, टिक का निशान लगाइए, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि जो यहां 20 है, 20 के जगह पे R underscore 1 और 60 के जगह पे R underscore 2, स्लैब 3 यहां 20 के जगह पे R underscore 1, 60 के जगह पे R underscore 2 और 80 के जगह पे R underscore 3, ठीक है, निशान लगाइए। स्लॉट 4 R underscore 1, रेट 1, यहाँ पे रेट 2, यहाँ पे रेट 3 और यहाँ पे रेट 4। अब मुझे अपना रेट चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर मान लीजिए कि 65 का हो गया तो हमें यहाँ पे जस्ट अपना रेट 2 को 60 जगह पे 65 करके टिक का निशान लगाना है एंड क्लोज करते ही आपका पूरा रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा।
समझे? सुभान अल्लाह, क्या हो गया? हो गया ना सर, पर मेरा लैपटॉप खराब हो रहा है, पता नहीं क्या हुआ, स्क्रीन पूरा हिल रहा है एकदम। निकिता जी, नवीन जी, समझ में आया आपको? जी सर मतलब ये है कि इफ का फॉर्मूला ही लगा लो ना, ये इतना बड़ा करने के अलावा इफ का फॉर्मूला लेके नेम मैनेजर में रख दो उसको। नहीं, ये देखिए क्या है कि आप एक्सपर्ट हैं तो आप कर लेंगे, राइट? लेकिन आप किसी और के लिए बनाएंगे तो आपको ये इतना बड़ा इतना पड़ेगा ना। हाँ, अगर फैमिलर है, एक्सेल को जस्ट ऑपरेट करना जानता है, कॉपी पेस्ट टाइप कुछ, वो तो नहीं कर पाएगा ना सर। अगर इस पूरे फॉर्मूले को नेम मैनेजर में रख के सिर्फ आईएनसी कर दे तो भी तो हो जाएगा ना सर। तो दिक्कत क्या होगी? रेट चेंज करने में दिक्कत होगी। हमें सब कुछ सोचना है ना, जब हम ऑटोमेशन करते हैं। देखिए ऑटोमेशन, इसको जो है ये जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उसको बोलते हैं फॉर्मूला सिंपलाइजेशन। हम फॉर्मूले को सिंपल कर रहे हैं अपने लिए नहीं, यूजर्स के लिए। हमारे लिए तो यही सिंपल है क्या सर? दूसरा, अभी जो इससे पहले जो एग्जांपल दिया मैंने, आपने देखा होगा एमआरपी का, इसमें क्या लग रहा है सिंपल कौन सा है? इससे पहले जो मैंने पहली क्लास में बताया था वो सिंपल है या ए सिंपल है? ए सिंपल है ना? हाँ, इसमें मतलब एकदम सही हो गया लिखते ही तो। और सर इसमें कर्सर कहाँ पे रखना होता है ये थोड़ा? जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे। तो वो रिजल्ट तो चेंज होता रहेगा ना, मतलब ये तो आप तो ड्रैग करेंगे तो देखिए, जैसे कि हुआ ना कि अब जब भी होगा तो ऊपर वाले को पिक कर लेगा, फिक्स हो इसका। अच्छा, अगर हम साइड में रखेंगे तो वो साइड से पिक करेगा। सर अगर दूसरे शीट में हमको अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं, बट वही है कि पोजीशन सेम होना चाहिए। मान लीजिए अगर दूसरी वर्कबुक में अप्लाई करना, यहां पे एमआर दूसरी शीट पे नहीं होगा, माफ कीजिएगा, सेम शीट पे होता है, सेम शीट पे होना है, क्योंकि हमने यहाँ एमआरपी में जो यहाँ पे एससी जो दिखा ना आपको, नहीं मैन्युफैक्चर प्राइस, इसमें देखिए सीट 5 आया हुआ है, ये सीट 5 चेंज होना चाहिए सीट 4। बट सर आप जो नेम पेस्ट करते हैं, आप जो ये नेम पेस्ट करते हैं कोई भी डेटा बनाने के लिए, तो वो आप कोई भी सीट में डालते हैं तो आ जाता है बहुत सारा नाम। हाँ, लेकिन ये सीट का रेफरेंस नहीं ले पा रहा है, यहाँ पे दिक्कत, एक छोटा यहाँ पे और आ गया। हालांकि इसका यूज इतना तो होता है, लेकिन एक और यूज बताता हूँ जिसमें आप बोलेंगे हाँ सर ये अच्छा यूज बताया। चलिए आपको पिवट टेबल पे ले चलते हैं, याद है पिवट टेबल की क्लास आप लोगों को? तो पिवट टेबल में एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या थी? छोटी सी प्रॉब्लम थी कि हम अपने डेटा को ऑटोमेटिकली कैसे फिक्स करें। मतलब जब हम पिवट लगाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि रो, नीचे का रो हमारा बढ़ता है, या तो हम लोग एक्सटर्नल बताया था टेबल फॉर्मेट था वो भी हमारे लिए संतुष्टि नहीं थी, हमें एक्सटर्नल बताया तो नीचे का डेटा तो ले लिया बट साइड का कॉलम नहीं लेता था। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि मेरा पिवट ऑटोमेटिकली डेटा उठाए, चाहे हमारा कॉलम भरे या हमारा रो भरे, ना मुझे टेबल की जरूरत पड़े और ना ही मुझे एक्सटर्नल पिवट की जरूरत। फॉर्मूले से पिवट टेबल लगाएंगे हम आपके साथ, तो उसके लिए आपको यहां ऑफसेट का फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। ऑफसेट, यहां पे हमने बोला रो नंबर 0 और कॉलम नंबर भी 0, अब बोला हाइट, तो आपको याद होगा मैं ऑफसेट इतना ही पढ़ाया ना आपको? यस सर, इतना ही पढ़ाया। अब चलिए इसके आगे जो है इसका हाइट और विड्थ है। अगर मैंने बोला इसमें से कि रो नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 2, तो क्या होगा पता है आपको? ये इतना डेटा उठा के दे देगा,
डेटा उठा के नहीं दिया, इसने इसका रेफरेंस दिया। अगर मैं इसको काउंट ए में लगाऊं तो आप देखेंगे कि ये ऑफसेट कर क्या रहा है। तो ऑफसेट का काम डेटा लुकअप का नहीं है, ऑफसेट का काम होता है रेफरेंस देने का, जो कि यहां दे रहा है। देखिए ए टू से बी टू क्यों दिया, ए टू से बी टू हमने बोला ऑफसेट ए वन से चलो जीरो रो जीरो कॉलम, मतलब कि जहां हां वहीं पे ए वन पे, और हमने बोला कि यार इस तुम्हारी रो की हाइट टू है और कॉलम की हाइट भी टू है, विड्थ भी टू, तो ये ए से टू और बी टू ले लिया, इतना इसको पकड़ लिया, इधर भी टू चला और इधर भी टू चला, ऊपर से नीचे भी टू आया और लेफ्ट टू राइट भी टू, और इसका एक रेफरेंस यहां देखिए बी वन से बी टू बनाया गया। तो हाइट और विड्थ क्यों लगता है, समझ में आ गया, किसी को डाउट इस पे? चलिए तो अब यहां पे हाइट और विड्थ जो ऑटोमेटिक है उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, हम इसमें करते हैं काउंट ए और बोलते हैं रो, और फिर हाइट हो गया, विड्थ में वापस काउंट ए करते हैं, इसने रेफरेंस यहां दे दिया, क्या रेफरेंस दिया, अकाउंट इसने देखा कि टोटल रो 504 है और कॉलम देखा 9 है, तो ऑफसेट में दे दिया A1 से आपका I509। अब मैं कल के डेट में अपना कॉलम बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, अब यहां पे देखिए काउंट 10 हो गया, 10 काउंट होने से क्या आया, जे चला गया, ठीक है। अब इसको इस ऑफसेट को नेम मेल पर डालने से पहले मुझे इसको फ्रीज करना होगा, यहां पे फ्रीज जरूरी है, और फिर इसमें हम अपने डेटा को सिलेक्ट करते हैं। और फिर यहां डिफाइन नेम में आते हैं, इसका नाम देते हैं डेटा पी डेटा, और फिर इसको हम यहां पे पेस्ट करके ओके करते हैं। अब मुझे कहीं भी पिवट लगाना है, पिवट टेबल में जाएंगे, यहां पे देंगे पी डेटा, लग गया सर, डेटा के अंदर में कोई चेंजिंग करता हूं, मैं एक और कॉलम यहां ऐड करता हूं मंथ का, अब यहां डेटा में हमारा यहां पे पिवट में हमारा मंथ नहीं आया, या ना क्या करना है, जस्ट रिफ्रेश, आ गया मंथ, तो ये समझ में आया आपको कि नहीं, डाउट इस पे? नो सर, सर पहले मतलब हमें उसको चेंज करना पड़ता था ना रिसोर्स को, अब उसको चेंज ना करने की वजह अब रिफ्रेश करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली इसने रेफरेंस ले लिया, जितना डेटा डालेंगे उसको उतना का उतना ही रेफरेंस देगा ये, इसको आगे चल के हम चार्ट्स में इस पे थर्ड को आगे चल के हम चार्ट्स में इस्तेमाल करेंगे, तो सर इसमें स्पेस नहीं लेगा, डेटा बढ़ाएंगे फिर नहीं, नीचे ही बढ़ेगा आगे बढ़ेगा सब कुछ लेगा सर, हमने दोनों जगह काउंट दिया ना, हाइट और विड्थ दोनों काउंट दिया है ना, ओके ए 10 काउंट विड्थ काउंट, समझ गए, यक और नेम मैनेजर को और ज्यादा गहराई में जाकर समझना है ना सर, तो कुछ मत कीजिए, अपने सीट पे क्लिक कीजिए, इंसर्ट में जाइए, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, इसमें देखिए लोन ऑथराइजेशन दिखेगा, दिख गया, ओके एंड ओके कीजिए, यहां पे देखिए नेम का, ये लोन का बना हुआ है, जैसे कि अगर लोन अमाउंट की हम बात करें
तो 50,000 रुपीज मान लीजिए हमने लोन लिया, इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कि 8% एनुअल है, लोन पीरियड अगर 3 साल का है और 12 एक महीने में ईयरली है और लोन स्टार्ट से हो रहा है। अब पूरा यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया कि 1500 ईएमआई 1500 कुछ की बनेगी, पेमेंट 36 है, एक्चुअल 37 है, टोटल इंटरेस्ट 6046 है और किस किस महीने में पेमेंट देना है सारा उसको ये है प्रोटेक्टेड है, कार्ड प्रोटेक्ट कीजिए बिना पासवर्ड का है, देख रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे कर्सर रखते हैं तो इसका नाम क्या है पता है आपको? लोन अमाउंट। इसका नाम क्या है? इंटरेस्ट रेट। इसका नाम क्या है? लोन ईयर। इसका नाम क्या है? अमाउंट। दिख रहा है आपको सर? और आप इसकी नेम मैनेजमेंट जाएंगे तो देखेंगे इतने नेम का यूज इसमें किया हुआ है और इसमें तो कुछ डेटा है, जैसे कि इसने तो डेटा ले रखा है, राइट राइट, ये भी आपका डेटा है, 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 ये भी डेटा कुछ लिया हुआ है यहाँ, ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन किया हुआ है, दिख रहा है आपको? रो का फॉर्मूला लगाया हुआ है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, ये देखिए फॉर्मूला है, दिख रहा है आपको? इफ का फॉर्मूला इसने इसी में घुसे दिया है और इसने भी इन्होंने रेफरेंस नेम को लिया हुआ है। आपको 5-7 रेफरेंस नेम दे दिया तो आप लगेंगे ऐसा करने की जरूरत है, नॉर्मल भी लगा सकते हैं, देखिए कितना नंबर, दिख रहे हैं आप? ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, इतने सारे जगहों पे काम करना, रेफरेंस को फ्रीज करना, ये सब चीजें करने में दिक्कत होगी। यहाँ देखिए क्या सर आपको ये फॉर्मूला लगा हुआ है, जो कोई भी रेफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉलम नेम, ठीक है। और इसमें एक चीज और भी है कि अगर मुझे पता करना है कि मेरे इस सेल से कौन कौन लिंक है तो यहां आपके सामने आता है ट्रस्ट डिपेंडेंट, ठीक है, इतने सारे सेल लिंक्ड है सर, ये बढ़िया चीज है। क्लिक करता हूं ट्रस्ट डिपेंडेंट, इसे कोई डिपेंडेंट नहीं है तो एक किससे डिपेंडेंट है तो यहाँ पे पीडीएफ कीजिए, ये बता देगा कि इतने सालों से डिपेंडेंट है, ओके, मूव एरो कीजिए तो हट जाएगा। तो हमने फॉर्मूला मेनू बार आपका खत्म कर दिया, कल से हम करेंगे डेटा मेनू बार का, ये एरर चेकिंग कैसे करते हैं? जहाँ एरर होगा बता देगा कहाँ का एरर है, इग्नोर कीजिए या फिर एडिट कीजिए, ओके, वो साइड तो साइड में जो एक ग्रीन कलर का बॉक्स बन गया आता है कोई चक्कर, या एंड कोई भी एरर हो दिखा देता है, ओके सर, ओके, मिलते हैं कल, बात करेंगे हम डेटा मेनू बार के बारे में। अब कुछ दिन फॉर्मूला से तसल्ली लीजिए क्योंकि काफी दिनों से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, थोड़ा दिमाग फॉर्मूला ऐसा घूम गया होगा, तो कुछ दिन हम फॉर्मूला को ब्रेक देते हैं और हम बात करेंगे डेटा मेनू बार पे, ठीक है, जहाँ फॉर्मूला नहीं कुछ और है। सर बीबीए कब से स्टार्ट होगा? देखिए अभी आपका जो टॉपिक बचा हुआ है ये क्यूरी बचा हुआ है मतलब कि डेटा, उसके बाद एरे फॉर्मूला और उसके बाद डायनेमिक चार्ट, तीन टॉपिक आपका बचा हुआ है, उसके बाद फिर बीबीए स्टार्ट होगा, मतलब कि 12 क्लास के बाद। और सर आप एडवांस फॉर्मूला बता रहे थे वो वाला, तो एरे फॉर्मूला एडवांस फॉर्मूला साथ में होगा 12 क्लास से, तो बोल रहा हूं अच्छा, और अभी जो हमने बताया ये भी तो एडवांस फॉर्मूले की कैटेगरी में है ना, हाँ वो आपने बताया था ना फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला और ये सब, हाँ तो आज के अंदर जो हमने बताया है फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला डालना भी सिखाएंगे आपको, फॉर्मूला क्रिएट करना सिखाएंगे, जिसके लिए कोई फॉर्मूला है ही नहीं तो कई सारे आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फॉर्मूला में, एरे फॉर्मूला बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, देखिए अभी नहीं पढ़ाएंगे, अभी वो 4-5 क्लास बाद पढ़ाएंगे।